Today we will start with IUPAC nomenclature of organic compounds. अब हम किसी compound में जिसके अंदर ester present है उसको कैसे name करेंगे? Numbering हम इस carbon से start करेंगे जो functional group का carbon है. अब सबसे पहले जो ये group है ना R group, इसको सबसे आगे लिख देंगे. So हम लिखेंगे ethyl. अब मैं इस कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट करूंगी उसको छोड़ के. अब मैं लिखूंगी 3-chloro ब्यूट 2-ene, क्योंकि सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है. और लास्ट में मैं लगा दूंगी OH, क्योंकि एस्टर ग्रुप है तो लास्ट में OH लगेगा. तो जो भी मेरा ये वाला आर ग्रुप है वो सबसे आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो कंपाउंड है फिर उसकी मैं नॉर्मल नेमिंग करके लास्ट में OH लगा दूंगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, जिनके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. नाउ दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम इस प्रेफरेंस ऑर्डर से देखेंगे. मान लीजिए कि एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक हमारे पास अल्कोहल है, तो हम देखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से पहले आ रहा है इस ऑर्डर में, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और जो अल्कोहल है इट वुड बी ट्रीटेड एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट. अब अगर ये जो मेरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन जाते हैं तो इनको हम कैसे नेम करते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. सपोज मेरे पास है अल्कोहल, तो मैं उसको कैसे नेम करूंगी? इट वुड बी हाइड्रोक्सी. अगर मेरे पास है CONH2 तो उसको मैं कैसे नेम करूंगी? कार्बोक्सामाइडो. अगर मेरे पास है CHO तो मैं बोलूंगी फॉर्माइल. अगर मेरे पास है NH2 तो मैं बोलूंगी अमीनो. अगर मेरे पास है CN तो मैं बोलूंगी साइनो. अब मान लीजिए हमारा कंपाउंड है CH3CHOH CH2COH. अब मैं इसमें देख रही हूँ कि मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और मेरे पास एक अल्कोहलिक ग्रुप भी है. अब मैं क्या करूँगी? नंबरिंग तो मुझे यहीं से स्टार्ट करनी है क्योंकि मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OH ग्रुप है ये अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, और जब OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी. तो इसका मतलब मैं लिख दूंगी 3-hydroxy ब्यूटेनोइक एसिड. अगर मेरा कंपाउंड है CH3CHCHO COOH, अब मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं और ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है, तो मैं यहां से नंबरिंग करूंगी 1, 2, 3 और मैं बोल दूंगी 2-formyl प्रोपेनोइक एसिड. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस ऑर्डर आई विल चूज द फंक्शनल ग्रुप, आई विल चूज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसे मैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मान लूंगी. Now we will understand the naming of alicyclic compounds. Nomenclature of alicyclic compounds. अब अगर मेरे पास 4-membered ring है तो मैं आगे लगा दूंगी cyclo, और ये 4 है तो मैं बोल दूंगी cyclobutane. अगर 5-membered ring है तो मैं बोल दूंगी cyclopentane. अगर बीच में एक मल्टीपल बॉन्ड है तो मैं बोल दूंगी साइक्लोहेक्सीन.
नाउ सपोज रिंग के ऊपर ये ग्रुप अटैच्ड है. अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है या ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है. अगर एल्काइल ग्रुप्स में कार्बन एटम रिंग से ज्यादा हैं तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट कम है तो एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. और मैं बोलूंगी दिस इज ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन. अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्जांपल गिवन है जिसमें कि रिंग में भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है और ऊपर भी सेम सब्स्टिट्यूएंट है. अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? जब ऐसा केस होता है कि नीचे भी थ्री कार्बन्स हैं और ऊपर भी थ्री कार्बन्स हैं, तो ये मेरा मेन हो जाता है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है. दैट मीन्स द एल्काइल ग्रुप विल बी नेम्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन. तो दिस वुड बी प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन. अब मान लीजिए कि रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है. अब मैं इसको कैसे नेम करूंगी और ऊपर मेरे कार्बन ज्यादा हैं. अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया है तो ये तो मेरा मेन हो गया और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा. अब मैं नंबरिंग कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर देना है, तो मैं इसको बोलूंगी 1, 2, 3. सो दिस वुड बी 3-butyl साइक्लोप्रोपीन. क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है. अब मान लीजिए कि ऊपर वाले में एक फंक्शनल ग्रुप है और नीचे वाले में मल्टीपल बॉन्ड है. अब मैं क्या करूं? अब ऊपर फंक्शनल ग्रुप है और नीचे मल्टीपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये मेरा मेन चेन है और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है. तो अब मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी. आई विल गिव वन नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप. तो मैं बोल दूंगी इट इज 3 और इसकी मैं अलग से नंबरिंग करूंगी. सो इट इज 3-cyclobut-2-enyl बिकॉज इस रिंग में सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो 3-cyclobut-2-enyl propanol इंडिकेटिंग दैट थर्ड पोजिशन पे ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. अब मान लीजिए कि ऐसा कंपाउंड है. इस केस में क्या होगा कि ये मेरी मेन चेन है और ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे. तो मैं बोलूंगी इट इज 1,1-dicyclohexylmethane. अगर किसी साइक्लोएल्केन के साथ बेंजीन अटैच्ड है तो मैं क्या करूंगी? अगर बेंजीन अटैच्ड है तो मैं साइक्लोएल्केन को बेंजीन के डेरिवेटिव की तरह नेम करूंगी. तो मैं बोलूंगी दिस इज साइक्लोहेक्साइल बेंजीन. नाउ अगर साइक्लोएल्केन के ऊपर CN अटैच्ड है तो हम बोलेंगे दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. अगर साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CN अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी इट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल. अगर इसके ऊपर CONH2 अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड. अगर इसके ऊपर CHO अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड.
और अगर इसके ऊपर COOH अटैच है तो मैं बोलूंगी दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज बेंजीन विच इज ऑल्सो रिटन एज this, it can also be written as this. अब सपोज कीजिए बेंजीन के ऊपर एक क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है तो मैं कह दूंगी क्लोरोबेंजीन. अगर बेंजीन के ऊपर एक NO2 ग्रुप अटैच्ड है तो मैं बोल दूंगी नाइट्रोबेंजीन. अगर मिथाइल अटैच्ड है तो मैं बोल दूंगी दिस इज मिथाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज टॉलवीन. अब मान लीजिए कि मैंने एक मिथाइल तो अटैच कर दिया और साथ में एक और मिथाइल अटैच कर दिया तो इसको मैं कह दूंगी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थोजाइलीन. ऑर्थोजाइलीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो मेरी पोजिशन है दिस एंड दिस इट इज ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप. This position is meta with respect to this functional group. और ये जो नीचे वाली position होती है this is para with respect to this functional group. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर मिथाइल अटैच करती हूँ तो एक तो हो गया 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मैं बोल सकती हूँ it is paraxylene. इसको मैं कह सकती हूँ पैराजाइलीन क्योंकि पैरा पोजिशन पे CH3 ग्रुप है. नाउ अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो इसको मैं बोलूंगी फिनॉल. अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप है इसको मैं बोलूंगी बेंजोइक एसिड. बेंजीन के ऊपर CHO है तो मैं बोलूंगी बेंजाल्डिहाइड. बेंजीन के ऊपर CONH2 है तो इसको मैं बोलूंगी बेंजामाइड. बेंजीन के ऊपर CN ग्रुप है तो मैं बोलूंगी इट इज बेंजोनाइट्राइल. अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है तो मैं बोलूंगी इट इज एनिलीन. अगर बेंजीन के ऊपर COCl है तो मैं बोलूंगी इट इज बेंजोइल क्लोराइड. अगर बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है इसको हम कहते हैं एसिटोफिनोन. और इसकी नेमिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने दिया नंबर 1, इसको मैंने दिया नंबर 2 तो मैं बोलूंगी दिस इज 1 फिनाइल इथेनोन. बेंजीन के ऊपर COC6H5 को हम कहते हैं बेंजोफिनोन. नाउ सपोज You are given benzene के ऊपर SO3H. This is known as benzene sulfonic acid. Suppose you have to name this compound जिसके अंदर दो functional groups हैं. अब मुझे पता है कि ये जो COOH ग्रुप है ये मेरा
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो मैं नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट कर दूंगी और ये मेरा हो जाएगा नंबर टू. इसका मतलब सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो मैं बोलूंगी इट इज टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. मान लीजिए आपको गिवन है एंड यू हैव टू नेम दिस कंपाउंड. अब आप कैसे नेमिंग करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां प्रेजेंट है तो हम इसको नंबर वन दे देंगे. हम बोलेंगे दिस इज वन फिनाइल प्रोपेनॉल. अब मान लीजिए आपको कंपाउंड गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं. अब मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगी, मैं नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करूंगी ताकि सब लोकेंट्स को लोएस्ट नंबर मिले और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं इनकी नेमिंग करूंगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो सब प्रेजेंट है ग्रुप्स दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट. तो मैं यहाँ से अगर नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 आता है, और अगर यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4. दैट मीन्स ये मेरी नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल मैं फॉलो कर रही हूँ 1, 2, 4. अब जब मैं नेमिंग करूंगी तो आई हैव टू नेम अल्फाबेटिकली. तो पहले आएगा फ्लोरो, 4 फ्लोरो 2 आयोडो, और फिर आ जाएगा नाइट्रो बेंजीन. बिकॉज आई हैव टू नेम ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब मान लीजिए मुझे ये कंपाउंड की नेमिंग करनी है, अब मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगी. आई विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम हेयर. अगर मैं यहां से भी स्टार्ट करती हूं तो भी फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है. यहां से करूंगी ताकि ये जो बेंजीन, व्हेन बेंजीन इज सब्स्टिट्यूएंट इट इज नोन एज फिनाइल, तो इसको भी 1 नंबर मिल जाए. तो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट वुड बी 1-phenyl-propane-2-one. तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ नेमिंग ऑफ एरोमेटिक एस्टर्स. अगर ये मेरा कंपाउंड है, now this would be methyl benzoate, और अगर ये कंपाउंड है CH3. इस कंपाउंड में क्योंकि CO ग्रुप के बाद ये फिनाइल है तो हम पहले फिनाइल लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इथेनोएट. Now suppose you have to name aromatic ethers. OCH3 is known as methoxy. OC2H5 is known as ethoxy. तो जब हम बेंजीन के ऊपर OCH3 लगाएंगे, this is methoxy benzene. It is also known as anisole, जो इसका कॉमन नेम है. और अगर हम बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा देंगे, दिस इज नोन एज इथॉक्सी बेंजीन, जिसका कॉमन नेम है फिनिटॉल. अब हम नाउ इफ अ कंपाउंड लाइक दिस इज गिवन, बेंजीन के ऊपर OC6H5, दिस इज नोन एज फिनॉक्सी बेंजीन. नाउ टुडे वी हैव स्टडीड
the various rules for naming of alicyclic compounds, aromatic compounds. The questions related to these are given in the module. Apply all these rules to the compounds and try to name the compound yourself. Your concept will become more clear. Thank you. God bless you.